आप देख रहे हैं लाइव एवीपी न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए ब्लैक डॉग। बोला गया था कि हम तुम लोग आराम से सुबह सुबह पूल में नहा लेना एक घंटा, हमें 10 मिनट भी नहीं नहाने दिया गया है। एक्स्ट्रा तो कम से कम भाई एक घंटा होता है। वही तो, कुछ भी नहीं नहाने दिया हमको। ये गलत बात है। देखो यहाँ पे ये देखो पूल और ये देखो सबसे बड़ा कचरा तो यहाँ पे गिरा हुआ है और इस पे क्या लिखा है? लिखा है थ्रोइंग अप इन द पूल और इफ वाटर गेट्स डर्टी बिकॉज ऑफ एनी इन्वेडर विल कॉस्ट अ पेनल्टी ऑफ ₹8,000। तो फिर आज हम आज सबको सारे देशवासियों को आंदोलन स्टार्ट करना चाहिए, कचरा आंदोलन। और अगर किसी ने ये स्टार्ट नहीं किया उनसे हम 10 लाख मांगेंगे। और ये बात सुन लो, इस तरह की अगर चीजें बढ़ती रही तो हमारे शहर में आ जाएगा एक नया टाइप का पोल्यूशन जो होगा कचरा पोल्यूशन। तो बाय माँ, मुझे पैसा दे दो मेरी माँ, मुझे बिस्किट्स लेने हैं मेरी माँ। तो ओरियो और टाइगर और हाइड एंड सीक मेरी माँ। आज एक शख्स को चलते चलते मिला एक पत्थर, जब उसने उसको गौर से देखा तो वो था एक स्नेल जो कि बड़े प्यारे होते हैं और उसकी मुंडी बाहर निकली हुई है और मैं इसे उठाने वाली हूँ। उठाओ, स्नेल अच्छे होते हैं, मुझे पसंद है। आ जा रे बाबा हमारी हटली में आ जा। तो सोनी लोगों के मुताबिक हमें खबर मिली है कि कुछ लोग ताश खेल रहे थे और मैजिक हुआ और आ गया बादशाह। यस, वो देखो वहाँ पे खे भी है बादशाह। बादशाह के हाथ में तलवार है, दो दो चक्कू है चक्कू, और ये एक नहीं दो दो बादशाह हैं। हाँ, और ये पीस देगा अपने दो दो चक्कू से। एक शख्स ने इस पे चढ़ के यहाँ से कूद ही मार दी क्योंकि वो पागल हो गया था और उसकी वहीं पे ही आत्महत्या हो गई। ये देखिए कि मैंने आपको बोला था कि कचरा प्रदूषण बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। ये देखिए इसका नुकसान, कोई भी कचरा उठाओ आंदोलन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा। तो अगर आपको नीचे देखिए, अगर आपको इस पे कंट्रीब्यूट और पार्टिसिपेट करना है तो हाइड्रा जीएम चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस न्यूज को लाइक कर दो और कमेंट करो आपका फेवरेट पार्ट एंड बेल नोटिफिकेशन को दबा देना। तो बाय।